हेलो दोस्तों, मैं हूं राहत जमान, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। और आज ये कमेंट आया है कि फॉर एग्जांपल फिजिकल विजिट भी हो गया है डेटा फ्लो वेरिफिकेशन की तरफ से, लेकिन फिर भी चार दिन हो गए, आगे बढ़ नहीं रहा वेरिफिकेशन का प्रोसेस, तो उसका रीजन क्या होता है। सबसे पहले जब भी डेटा फ्लो की फिजिकल वेरिफिकेशन होती है तो एक बात समझ ले कि उनको बहुत ही शक होता है कि ये एक्सपीरियंस फेक हो सकता है, जेन्युइन नहीं है। इसलिए वो अपनी फिजिकल टीम को एक सिटी से दूसरी सिटी भेजते हैं ताकि 100% वेरीफाई कर सके। और फिजिकल विजिट पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या चीजें वो चेक करते हैं, सैलरी सर्टिफिकेट, आपका डेटा चेक करते हैं हर चीज के वो वहां पे, और जो स्पेशलिटी आपने लिखी हुई है वो वहां पे स्पेशलिटी वहां पे है भी कि नहीं है, तो ये सारी चीजें चेक करते हैं। फिर भी अगर वहां पे आप सारी चीजें कंफर्मेशन दे दो तब भी क्या होता है, उनको आपको वो CIDC तब भी कंफर्म करते हैं। मतलब ये है कि उस क्लिनिक के साथ वाले जो कोई दुकानें हैं उनसे भी कंफर्म करते हैं, या कोई साथ में कोई शॉप्स है वहां से कंफर्म करते हैं कि ये यहाँ पे कब से वैलिड है, जो आप लोगों ने सारी डिटेल दी होती है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर ये नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल एक दफा विजिट कर ले तब भी वहां के एडमिन से वो क्या करते हैं, नंबर सारी चीजें ले लेते हैं, फिर भी आपसे कोई सवाल कर सकते हैं, उसमें 7 दिन से लेकर 10 दिन लग सकते हैं। अगर वहां पे हर चीज कंफर्म हो जाए तब आपका वेरिफिकेशन से क्वालिटी कंट्रोल में चला जाता है। तो ये आपका सवाल का आंसर था। थैंक यू सो मच।